सर विपक्ष की तरफ से लेकिन ये कहा जा रहा है कि साहब बीजेपी कहती है कि ये जो संकल्प पत्र वो लेकर आए हैं इसमें नारी शक्ति, युवा शक्ति और जो गरीब हैं और जो किसान हैं उन सबको सशक्त करने की राह नजर आती है, लेकिन किसान और किसानों की सबसे बड़ी मांग MSP, उस पर भी कोई वादा नहीं किया बीजेपी ने इस संकल्प पत्र में। अनुराग जी, चलिए ये तो उन्होंने माना कि गरीब, युवा, नारी शक्ति को हम और सशक्त कर रहे हैं। अब मैं किसानों पे बता दूं हमने क्या किया। कांग्रेस का बजट 2013-14 में 27,662 करोड़ था, हमारा बजट 1,25,000 करोड़ है, लगभग 5 गुना ज़्यादा। कांग्रेस के समय पीएम किसान सम्मान निधि नहीं थी, मोदी सरकार ने 5 सालों में 3,00,000 करोड़ रुपया पीएम किसान सम्मान निधि में दिया और अगले 5 साल की गारंटी भी हर साल 6,000 रुपया देने की किसान को दे दी है। कांग्रेस के समय MSP की खरीद मात्र 5.5 लाख करोड़ की हुई, 10 साल में मोदी सरकार में 18,40,000 करोड़ की खरीद हुई है। कांग्रेस के समय गेहूं की खरीद 2,80,000 करोड़ की हुई, हमारे समय 12,40,000 करोड़ की हुई, ये अंतर है। दूसरा मैं आपको कहूंगा, कांग्रेस के समय सिंचाई योजना पर थोड़ा पैसा खर्च किया गया, हमने 15,511 करोड़ खर्च किया। कांग्रेस के 2013-14 में बैंकों से किसान को मात्र 7,30,000 करोड़ रुपया मिला, हम 20,00,000 करोड़ रुपया पिछले साल हमने दिया है। रुमाना जी आप अंतर देखिए कितना बड़ा फर्क है। इनके समय फसल बीमा योजना में कुछ नहीं मिला प्रधानमंत्री के, हमारे समय 1,50,000 करोड़ रुपया किसानों को मुआवजा मिला है। ये अंतर है उस समय की सरकार में और आज की सरकार में। इन्होंने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू नहीं किया था, हमने लागत प्लस 50% मुनाफा ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया है। सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप जिस तरीके से अपनी बात रख रहे हैं खासतौर से बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर, वहाँ दूसरी तरफ विपक्ष है जो इस संकल्प पत्र पर निशाना साध रहा है, तो क्या वो कहा जाता है ना कि साहब लिफाफा देखकर मजबून समझ जाना, विपक्ष क्या ये गलती कर रहा है? क्योंकि विपक्ष शायद उम्मीद ये कर रहा था कि सीधे सीधे जो खुद विपक्ष ने किया है कि साहब अगर हम सत्ता में आ जाएंगे तो किसान MSP कानूनी गारंटी देंगे, अगर हम सत्ता में आ जाएंगे तो फिर जो गरीब परिवार की महिलाएं हैं 1,00,000 रुपए उनको सालाना दिया जाएगा, 30,00,000 नौकरियों का वादा किया जा रहा है सरकारी नौकरियों का विपक्ष की तरफ से, क्या क्योंकि स्ट्रेट अवे इस तरीके की बातें बीजेपी के घोषणा पत्र से मिसिंग है, इस वजह से आपको लगता है कि विपक्ष निशाना बना रहा है? ये तो धोखेबाज हैं, वायदा करके भूल जाते हैं, बाद में हाथ मलते रह जाते हैं। मैं इतना ही कहूंगा रुमाना जी, इन्होंने जो जो वायदे किए उनमें से कुछ भी पूरा नहीं किया था जी। आप हिमाचल में देखिए, इन्होंने कहा था 2 रुपये किलो गोबर, 100 रुपये लीटर दूध खरीदेंगे, नहीं खरीदा। इन्होंने कहा था 5,00,000 सरकारी नौकरी देंगे, नहीं दिया। इन्होंने कहा था बागवानों को मुंह मांगे दाम देंगे, नहीं दिए। इन्होंने कहा था 5,00,000 सरकारी नौकरी देंगे, नहीं दिया। इन्होंने जो कर्नाटक में कहा वो भी नहीं किया, जो राजस्थान छत्तीसगढ़ में कहा वो भी नहीं किया, और ये बाहर हो गए। पिछली बार भी राहुल गांधी जी ने कहा था 72,000 रुपया साल का देंगे, नहीं दिया। लोगों ने माना ही नहीं इनकी बात को, क्योंकि विश्वास नहीं है। देश में एक ही गारंटी चलती है, मोदी की गारंटी, जो 24 कैरेट खड़ा है और गारंटी पूरे होने की पूरी गारंटी है। रवाना जी मैं एक बात आपके यहाँ पर बड़ी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूँ, इंदिरा जी से लेकर सोनिया जी तक रसोई गैस के सिलेंडर भी नहीं दिए और इन्होंने महिलाओं को आरक्षण भी नहीं दिया विधानसभा और लोकसभा में। ये मोदी जी ने आके नारी शक्ति बंधन बिल लेकर आए और ये किया। दूसरा, हमारी सेनाओं में आज 3 गुना ज़्यादा महिला शक्ति है, 10,400 से ज़्यादा फौज में हैं। इसी तरह से दुनिया भर के सबसे ज़्यादा वुमेन पायलट्स आज भारत में हैं। भारत में जब एक महिला राष्ट्रपति बनती है ट्राइबल क्षेत्र से आने वाली, तो ये किस तरह की टिप्पणियां कांग्रेस के लोग करते हैं, आप समझ लीजिए महिलाओं के प्रति इनके मन में कितना सम्मान है आप जानती ही हैं, और इनके इसलिए कोई इन पे विश्वास करता नहीं है। ठीक है, ABP News आपको रखे आगे।